प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, कुछ जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास करते हुए, पट्टिका का उद्घाटन होते हुए आप देख रहे थे रिमोट के जरिए, वो कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अहम भूमिका है। हमने तो इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो चलिए हम ये पूरा जो ऑडियो विजुअल कार्यक्रम है उसी में आपको लिए चलते हैं। काम हो रहा है, पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर विकसित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 एवं 16 इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण कड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बसे गुवाहाटी के पास पांडू में एक मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में जहाजों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई आधुनिक सुविधा नहीं है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहाजों को मरम्मत के लिए तो दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज के अंदर की तस्वीरें भी आपके लिए देखना आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा हो रही होगी जिस क्रूज की इतनी चर्चा हो रही है, आखिर उस क्रूज में ऐसा क्या खास है। तो चलिए गंगा विलास क्रूज लग्जरी कैसी सुविधाओं से लैस है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। करीब 40 क्रू मेंबर्स वाला ये क्रूज अंदर से बहुत खूबसूरत है। देखिए हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट। यहाँ पर इस तरीके से ग्लास के बड़े बड़े विंडोज रखे गए हैं। ग्लास के विंडोज के जरिए दरअसल आपको पूरा व्यू दिखाई देगा। ये पूरी गंगा रिवर आपको दिखाई दे रही है, जो कि इस तरीके के व्यू सिर्फ आपको यहाँ पर भी नहीं बल्कि पूरे यात्रा के दौरान दिखाई देंगे, क्योंकि पूरा क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। 27 रिवर सिस्टम से होता हुआ ये क्रूज अपनी यात्रा को वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक करेगा। आसपास रूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये वो रूम्स हैं। हम यहाँ पर इसीलिए धीमे बोल रहे हैं क्योंकि प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना है, उनको किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे तो कुछ टूरिस्ट यहाँ पर हैं और ये दरअसल एक कॉमन लॉन्ज एरिया है जहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो बैठ पाएंगे, यहाँ पर फ्री टाइम अपना जो है वो स्पेंड कर पाएंगे। एक लाइब्रेरी भी है, इस तरीके से काउच पूरा यहाँ पर रखे, काउच तैयार किए गए हैं, वहां पर बैठकर टूरिस्ट अपना फ्री टाइम जो है वो यहाँ पर बिता सकते हैं। और ये देखिए बेहद ही लग्जूरियस फीलिंग यहाँ पर है। आप जब इस लाउंज को देखेंगे तो आपको एक भी लग्जूरियस फीलिंग आएगी। कंफर्टेबल सिटिंग एरिया है, अलग अलग तरीके से इस तरीके से चार चार काउच का और सेंटर टेबल यहाँ पर रखा गया है ताकि जो टूरिस्ट अपने रूम्स से जब यहाँ पर निकल कर आए तो वो अपने रूम्स के बाद यहाँ पर इस एरिया में भी अपना जो फ्री टाइम है उसको बिता पाए, क्योंकि 51 दिन का ये पूरा टूर है। ऐसे में उस दौरान उन्हें सिर्फ इसी एरिया में ही रहना है, इसी 62 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े इस क्रूज में रहना है। ऐसे में अलग अलग एरियाज यहां पर बनाए गए हैं और बेहद ही खूबसूरत तरीके से एंटीक पीसेज यहां पर रखे गए हैं। कुछ किताब है वो भी यहाँ पर लिखी गई है। इसके अलावा द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश की किताब है। इसके साथ साथ आपको और भी कई किताबें जो हैं अलग अलग कल्चर से जुड़ी हुई वो यहाँ पर दिखाई देंगी। योगा माइथोलॉजी की किताब यहाँ पर है। मिर्जा गालिब भी आपको क्रूज में दिखाई देंगे, तो जो यहाँ पर विदेशी सैलानी है वो मिर्जा गालिब को भी पढ़ पाएंगे। इसके अलावा कुछ और ऐसी किताबें हैं जिसमें हैंडक्राफ्टेड इंडियन टेक्सटाइल की किताबें हैं, इंडियन क्लासिकल डांस, यानी कि क्यों जो टूरिस्ट यहाँ पर ट्रैवल करेंगे उनको भारत की संस्कृति की झलक, भारत के इतिहास के बारे में उन्हें पता चल पाएगा। ब्रह्मपुत्र एंड असम वैली, तो यहां से भी होकर यह क्रूज गुजरेगा, उसकी भी यहां पर जानकारी है। झांसी द सिटी ऑफ वेलोर, उसकी भी यहां पर किताब यहां पर रखी, जो किताबें हैं वो यहां पर आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा पेंटिंग्स यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं जो कि भारत की संस्कृति को झलकाती हैं। अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ये दरअसल एक कॉमन एरिया है जहां पर टी कॉफी के लिए जो लॉन्च में ये लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक होम थिएटर यहां पर बनाया गया। देखिए एक थिएटर है, यानी कि अब इस क्रूज से निकलकर तो अब जा नहीं सकते हैं कहीं, थिएटर में मूवी नहीं देख सकते, लेकिन यहीं पर बैठकर आराम चिल किया जा सकता है, यहीं पर बैठकर थिएटर का भी मजा लिया जा सकता है। बाकायदा स्पीकर्स यहां पर लगाए गए हैं, तो बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे लॉन्च को बनाया गया है। इसमें क्योंकि ठंड है इसलिए हीटर्स का भी अरेंजमेंट है, इसके साथ साथ क्योंकि अगर एसी की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी अरेंजमेंट यहां पर है, पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट यहां पर है। इसके अलावा जो स्टाफ है उसके लगभग 40 मेंबर्स हैं, 40 क्रू मेंबर्स हैं जो कि यहां पर अवेलेबल रहेंगे।
तो आपने क्रूज के भीतर की तस्वीर देखी, एक बार फिर से हम आपको इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं। राष्ट्रीय धरोहरों का पुनः निर्माण करने और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश का अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की गई है, जिससे आर्थिक क्षेत्र 25 गुना वृद्धि करेगा और देश में पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा। विकास की इस महत्वाकांक्षी यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर गंगा विलास क्रूज को अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज ऑपरेट कर रही है। 5 प्रदेश और 2 देशों को पार करते हुए ये क्रूज डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 27 छोटी बड़ी नदियां क्रूज के रास्ते में आएंगी। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सौदामिनी माथुर ने पूरे सफर को लेकर इंडिया टीवी से बात की। सुनिए पूरे सफर को लेकर क्या है तैयारी और कैसे आम लोग इस क्रूज में बुकिंग करा पाएंगे। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज वो कंपनी है जो कि इस एमवी गंगा विलास को ऑपरेट करेगी, जिसने इसको बनाकर तैयार किया। मेरे साथ इससे सौदामिनी माथुर है जो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। सौदामिनी जी, सबसे पहले तो एक सबसे लंबा रिवर क्रूज आपकी कंपनी ने ये तैयार किया है, कैसी एक्साइटमेंट है, कैसा इस वक्त वो अनुभव है इस पूरे क्रूज को तैयार करने का और अब ये पहली यात्रा पर निकलने वाला है, कैसा फील है जी? हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम इस पर कई कई सालों से काम कर रहे हैं और मिस्टर सिंह जो इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन हैं, ये उनका विजन था कि वो इंडिया की दोनों मेन रिवर्स को ज्वाइन करें थ्रू लग्जरी रिवर क्रूज एंड नाउ इट्स फाइनली कमिंग टू लाइफ। तो वी आर ऑल एक्सट्रीमली एक्साइटेड। हमारे गेस्ट ऑन बोर्ड हैं, दैट इज मेकिंग अस रियली हैप्पी मोर देन एनीथिंग एल्स, दैट पीपल आर स्टार्टेड ट्रैवलिंग, पीपल आर कमिंग बैक टू एक्सपीरियंस इंडिया द वे वी वांट टू शो देम। सो या, इट इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। कैसे कैसे अपनी यात्रा को पूरा करेगा, जब यहाँ से शुरू होगा उसके बाद कहाँ तक जाएगा, कितनी जगहों पर ये रुकेगा, क्या क्या ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जो इंक्लूड किए गए हैं, जो कि क्योंकि सब विदेशी सैलानी है कि उनको भारत की संस्कृति की भी झलक मिले, सब ऐतिहासिक जगह भी देखने को मिले जी। 51 डेज का क्रूज है, वाराणसी टू डिब्रूगढ़ ये जाएगा। 5 स्टेट्स को क्रॉस करेगा, 2 कंट्रीज को क्रॉस करेगा क्योंकि हम वाया बांग्लादेश जाएंगे और 27 स्मॉलर रिवर सिस्टम्स को ही क्रॉस करेगा। एंड आई थिंक कि एक रिवर क्रूज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिसको हम रिवरस्केप्स बोलते हैं, जैसे लैंडस्केप्स है, जरा रिवरस्केप्स ऑन बोथ साइड्स, वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं एज द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। सो द गेस्ट हैव कॉन्स्टेंटली समथिंग टू सी आउट ऑफ द विंडो। एंड आपने अगर हमारे कमरे देखे हैं तो वी हैव लार्ज विंडोज बिकॉज जो मेन आर्ट है वो एक्चुअली वो नजारा है जो खिड़की के बाहर है। तो 51 डेज के लिए 51 डेस्टिनेशंस हैं आइडियली, बट हम वी प्लेड बाय द ईयर। कई बार हम गेस्ट के साथ उतर के क्रिकेट मैच खेलते हैं, कहीं हमें जगह मिल जाती है, कहीं सैंड बैंक मिलता है तो वहां एक पार्टी कर लेते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज ऑन बोर्ड एंड ऑफ बोर्ड दैट आर प्लान्ड फॉर ऑल, यू नो, फॉर ऑल द गेस्ट। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कितनी देर का ये हॉल्ट रहा करेगा, जैसे किसी जगह पर रुकेगा तो कितनी देर के लिए रुकेगा, उसके बाद क्या कंटिन्यूअस ट्रैवल रहेगा या बीच में कहीं पर हॉल्ट भी लिया जाएगा? कई 2-3 दिन है जहां हमें शायद कंटिन्यूसली ट्रैवल करना पड़े जस्ट टू मेक अप फॉर टाइम, बट इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सकर्जन कि हम कितनी देर वहां रुकते हैं। वी हैव एंकर्स, यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहां जेटीज हैं, जहां हम बिल्कुल वहां तक लैंड तक जाकर रुक सकते हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। अभी क्योंकि 32 सैलानी है, इसके अलावा आने वाले फ्यूचर के लिए भी क्या बुकिंग्स ओपन हो गई है, क्या लोग बुकिंग कर सकते हैं और कितनी बुकिंग अब तक हो चुकी है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट रिवर क्रूजिंग के लिए जनरली आई थिंक लोग कई महीनों सालों पहले से बुकिंग करते हैं बिकॉज इट्स अ टाइम इन्वेस्टमेंट। तो वी हैव हमारा सेलिंग सीजन अक्टूबर टू मार्च होता है, हमारे ऑलरेडी नेक्स्ट सेलिंग सीजन के लिए बुकिंग आनी शुरू हो गई है, सो फिंगर्स क्रॉस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।